आपने एक कथावाचक का चेहरा तो देखा ही होगा, जिसके महिलाओं की तरह घुंघराले केश बड़े हुए हैं और माथे पर तिलक धारण करते हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बातें बनाने में बहुत माहिर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, बात हो रही है देवकी नंदन जी की। कहने को कथावाचक है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में होगा अज्ञान का पर्दाफाश और सच्चाई का विकास। पहले जानेंगे देवकी नंदन जी के विचार और बाद में आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा और आप सुनेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पहले जानेंगे विचार देवकी नंदन जी के। सबसे सुंदर व्रत है एकादशी का, भगवान को मनाने के लिए सबसे प्यारा व्रत है एकादशी का। तो देखा आपने कैसे देवकी नंदन जी ने हमें एकादशी का व्रत करने का पाठ पढ़ाया, लेकिन सुनिए इनके अज्ञान को विस्तार से, तभी आप जान पाएंगे इनका असली चेहरा। अगर चाहते हो भगवान माने, प्रसन्न हो जाए, तो एकादशी का व्रत जरूर रखा करो, बोलो राधे राधे। लेकिन उसके बदले में उनसे कुछ मांगना नहीं है। एकादशी के व्रत के बदले में कुछ मांगना नहीं है। इतना काफी नहीं था इनके लिए, अब चले हैं अपने भक्तों का भ्रम निवारण करने। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज सुहागिन दोनों व्रत नहीं रख सकती। कोई कहते हैं कन्या नहीं एकादशी का व्रत रख सकती। हम अगर अपनी भावना से कहें तो जिन जिन को ठाकुर जी को मनाने का मन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो जो भगवान को मनाना चाहते हैं, जो भगवान को मनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग कई व्रत ऐसे हैं, करवा चौथ का व्रत पति की उम्र बढ़ाता है ना, और बच्चे के लिए वो एक व्रत है ना, बेटे के लिए जो माएँ रखती हैं अघोई व्रत रहती ना, बेटे के लिए रहती, वैसे ही नारायण को मनाने का सबसे सुंदर व्रत है एकादशी का व्रत। राम कृष्ण हरि तीनों ही एक ही हैं, 500 नहीं है, पर तीनों ही उससे प्रसन्न होते हैं एकादशी के व्रत से। तो इसलिए व्रत, अब जैसे व्रत रखते हैं, व्रत रखने से क्या लाभ होगा? जैसे दास मंगलवार का व्रत रखा करता हनुमान जी का, और छोटी उम्र में ही लग गया था चौथी पांचवी कक्षा से, तो बच्चे को भूख तगनी लग गया करे कि वो सारे दिन उछल कूद मचानी, और उस दिन व्रत रखना कंपलसरी। अब 12 बजे के बाद खाना खा सकते थे, उससे पहले खाना नहीं खा सकते, तो जब तक रोटी ना मिलती इतना हनुमान थोड़ा याद आया करता, रोटी गणी याद आया करती, अन्य सोचा करते कब 12 बजे रोटी खावें, पेट पकड़ कर बैठ जाते। तो कहने का भाव ये है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। और फिर ये प्रावधान का है ऐसे व्रत रखने का, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि प्रथम अंदर संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सबसे पहले खाने और पीने में संयम करे, कति इतना कम भी नहीं खावे जिस तरह सारे दिन रोटी याद आवे या आंत कट्ठी हो जाए, अस्वस्थ हो जाए इंसान, और इतना ज्यादा भी नहीं खावे खा ले दड़ी पक्का, और फिर अंगड़ाई टूटा जम आई आवे भक्ति करी जाना, यानी अन्न और जल का संयम रखे, आवश्यक खाना खावे, घना भी नहीं खावे और कति इतना भी नहीं खावे भाई कम भी नहीं खाए, यानी अपना मीडियम सा जलपान करे, भक्ति करे, उसे शरीर भी नॉर्मल रहता है। और योग युक्त, योग माने साधना की, युक्ति माने विधि, सतगुरु बतावे तो वो इस तरह के बतावेगा। और हमारी श्रीमद् भगवद गीता एंड पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद,
और पवित्र सूक्ष्म वेद जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं और उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन तीन जो ये सद्ग्रंथ हैं, तीन सद्ग्रंथ हैं, इनके अंदर हमारी भक्ति की विधि यथार्थ लिखी हुई है, लेकिन वेद और गीता में एक जैसी विधि है भगवान के पाने की, ये इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 और 34 में। यहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म, और ये कह रहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी तुझे अन्य साधकों की साधनाएं बताई हैं, श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक, कोई कैसी, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक पैर के खड़ा होकर के तप करता है, और कोई प्राणायाम आदि कर कहने सोचा भाई इससे मोक्ष हो गया, कोई घोर तप को तपता है, और कोई केवल स्वाध्याय करते हैं, कोई हिंसक हिंसा अहिंसावादी घोर व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। कहते ये साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को ये पापनाशक जानते हैं। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा, तो मोक्षदायक मानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के फिर 32वें श्लोक में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान बोला होता है, उनकी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, उस वाणी के अंदर यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसमें लिखा है कि वो काम करते करते कर्मों के कर्म करते करते की जाती है, और उसके करने से फिर आप पूर्व सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। और उस फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो जो तत्व ज्ञान है, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो जो उस तत्व ज्ञान से परिचित हो, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया संपूर्ण ज्ञान उसमें है, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनके पास जाकर विनम्र भाव से प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके पूछना, तब वो आपको बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता के अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं तुझे कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और जिन्होंने मेरी इस बात को आश्रय कर लिया, मेरे ज्ञान का आश्रय कर लिया, जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर और तत्वदर्शी संत से संपर्क साध लेते हैं, वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो तत्परम से और सारे दत्म ज्ञान से और सारे अध्याय इन कर्मों से परिचित हो चुके हैं। जो केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था अवस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मरण माने मृत्यु, जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर चुके हैं और वो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सारे कर्मों से वो परिचित हो चुके। तो कहने का भाव ये है कि वो फिर इस संसार की किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो केवल वृद्ध अवस्था से यानी और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना चाहते। तो कहने का भाव ये है कि इस जीव के लिए वृद्धावस्था सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कहर है इसके लिए,
और फिर मृत्यु उससे भी बुंदी, उससे भी बुरी। हम अपने बच्चों में कैसे सुख से रह रहे हैं, कितने प्यार है इनके अंदर, कितना संपत्ति में हमारा लगाव है, सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं, जमीन खरीदने में, उसके ऊपर कोठी बंगले बनाने में, और फिर मर जाते हैं एक सेकंड में। तो ये कोई जीवन है? तो ये छुटकारा होगा वहाँ सतलोक में जाने से जहाँ आप रहा करते थे, और वहाँ जाने के बाद फिर आप वापस मृत्यु में नहीं आओगे। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, ऐसी सृष्टि है, ऐसे ही आपका परिवार बनेगा, और वो परिवार सदा के लिए आपके साथ रहेगा। वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, इतना वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। तो हम उसको छोड़कर यहाँ गलती से आ फंसे और हम इतने दलदल में धस गए, हमने वो शुद्ध भी ना रही कि इससे हटकर भी कोई स्थान है, इससे हटकर भी कोई भगवान है। अभी तक हमारे कोई हमारे धर्मगुरु स्वर्ग तक की रामायण सुनाया करते थे, अभी तक ये हमारे को स्वर्ग तक की ही कथा सुनाया करते थे, और मृत्यु फिर भी डेफिनेट है, अपने कर्म भोग कर फिर आना ही पड़ता है। तो ये जो पढ़ाई इनकम्प्लीट थी, ये धातम मार्ग इनकम्प्लीट था, अधूरा था। अब संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा का दिया हुआ इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। ये आज समझ में आ जाए आपके, चाहे 10 दिन के बाद आ जाना, ये विश्व में ज्ञान किसी के पास नहीं है, और ना भक्ति है, और ना ये मंत्र है। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यह तो पहले ही सिद्ध हो चुका है कि देवकी नंदन जी अज्ञानी हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो अवश्य देखें साधना चैनल 7:30 बजे शाम को।